51 नए कोरोना के मामले सामने आए हैं। लखनऊ में कोरोना से 6 लोगों की मौत हो गई। कोरोना मरीजों की संख्या 69,198 पहुंच गई है। तो लखनऊ में कोरोना का कहर लगातार बढ़ता ही जा रहा है। एक बार फिर से मामले लगातार बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। लखनऊ में रविवार को 351 नए मामले रिपोर्ट किए गए हैं और पिछले 24 घंटे में 6 और लोगों की मौत हो गई है। कोरोना की वजह से मौतें हुई हैं। 69,198 मरीजों की संख्या लखनऊ में पहुंच चुकी है। तो लखनऊ में कोरोना का कहर लगातार अब तेजी से बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और रविवार को पिछले 24 घंटे में 351 और नए मामले सामने आए और वहीं पिछले 24 घंटे में 6 और लोगों की मौत हुई है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ अभिषेक हमारे साथ हमारे संवाददाता लाइव जुड़ गए हैं। अभिषेक, लखनऊ में भी कोरोना का कहर अब तेजी से बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। पिछले 24 घंटे की बात करें तो काफी ज्यादा मामले एक बार फिर से रिपोर्ट किए गए हैं। आपसे जानना चाहेंगे इसके बाद सरकार की तरफ से क्या कुछ कदम उठाए गए हैं, प्रशासन की तरफ से क्या कुछ तैयारियां देखने को मिल रही हैं। देखिए, जाहिर तौर पर एक बार फिर से कोरोना के जो मरीज मिलना शुरू हो गए हैं, ये पिछले अगर 2 हफ्ते की बात की जाए तो ये संख्या तकरीबन 50% बढ़ चुकी है। यानी एक समय तक जो रेशियो तकरीबन 150 से 200 के बीच में मरीज रोजाना मिल रहे थे, अब ये 350 से ज्यादा मिलने लगे हैं। तो इस बात के संकेत मिल रहे हैं कि कहीं ना कहीं लापरवाही हो रही है। कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग से पता चल रहा है कि कोविड के मरीज कहाँ कहाँ पे हैं। और जैसे ही ये संख्या अब सामने आई है तो उसके बाद से लखनऊ जिला प्रशासन ने आज मीटिंग भी बुलाई है। जितने बैंक्वेट हॉल्स हैं, शादी घर हैं, उन सभी के मालिकों को आज बुलाया है, क्योंकि ये शादियों का सीजन है। तो ऐसे में नए प्रोटोकॉल्स लागू किए जा सकते हैं। अब तक 200 लोगों की क्षमता और 200 लोगों को अनुमति दी जा रही थी, लेकिन माना जा रहा है कि आज की मीटिंग के बाद इसमें कटौती की जाएगी। त्योहारों का सीजन खत्म हुआ, शादियों का सीजन चल रहा है, तो जाहिर तौर पर कोरोना के केसेस ज्यादा मिलना शुरू हुए हैं। और इसी को देखते हुए डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने आज सभी शादी घरों से जुड़े हुए लोगों को बुलाया है। सभी चौराहों पर चेकिंग की जा रही है। कल देर रात भी लगातार अलग अलग थाना क्षेत्रों में चेकिंग की गई और बिना मास्क के घूमने वाले लोगों को चालान भी किया गया है। तो कड़ाई बरती जानी शुरू कर दी गई है और आज देर शाम तक माना जा रहा है कुछ नए प्रोटोकॉल्स, कुछ नए एहतियात और कुछ नई सख्तियां लखनऊ में लागू की जा सकती है। अभिषेक, विशेषज्ञों का क्या कुछ कहना है, क्या कुछ वजह है कि कोरोना का कहर बहुत तेजी से बढ़ रहा है और क्या आने वाले समय में ये संख्या और ज्यादा बढ़ सकती है? देखिए, बिल्कुल, क्योंकि अभी हाल में ही फेस्टिव सीजन्स खत्म हुए हैं। भीड़ भाड़ वाले इलाकों से लोगों का बाजारों में काफ़ी भीड़ रही है, लापरवाही भी हुई है। और अमूमन एक समय तक जहां पर जब सख्ती बरती जा रही थी तब तक तो लोग मास्क पहन करके दिखाई दे रहे थे, लेकिन अभी फिलहाल लापरवाही बरती जा रही थी। और इन तमाम कारणों को अगर जोड़ दिया जाए, मिला लिया जाए, तो इसका नतीजा ये हुआ है कि अचानक से कोविड के केसेस बढ़ गए। हालांकि एक्सपर्ट्स बता रहे हैं कि ठंड का मौसम वायरल संक्रमण के लिए भी दिल्ली से जुड़े में वैसे अगर यहां पर दिल्ली की बात करें तो पिछले कुछ दिनों में लगातार कोरोना के केसेस बहुत तेजी से बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। इस पूरे मामले पर विशेषज्ञों ने क्या कुछ टिप्पणी की है, क्या आने वाले समय में दिल्ली में हालात और भी ज्यादा खराब हो सकते हैं? देखिए, अगर दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में कोरोना एकदम बेकाबू हो गया है ऐसा लग रहा है, क्योंकि बीते 6 दिनों में कोरोना से 678 मौतें हुई और रोज 5,000 से ज्यादा नए मामले सामने आ रहे हैं। कल भी जो है वो 700 से ज्यादा नए मामले सामने आए। लगातार 3 दिन से 100 से ज्यादा मौतें दिल्ली में हो रही है। इसके बावजूद भी जो मार्केट है, जो बाजार है दिल्ली के, डेली बाजार लगते हैं, वीकली बाजार लगते हैं, उनमें लोग जो है सोशल डिस्टेंसिंग का ना पालन करते हुए दिख रहे हैं, ना ही मास्क लगा रहे हैं। इसके लेकर कल जो है नांगलोई में जो साप्ताहिक मार्केट लगती है उसको बंद करने का फैसला किया गया था, लेकिन बाद में अब खबर आ रही है कि जो मार्केट बंद करने का फैसला था उसको वापस ले लिया गया है। और जो वहाँ के व्यापारी थे उनका कहना था कि दुकानों पे सोशल डिस्टेंसिंग का पालन जो है वो कराया जा रहा है, लोगों से मास्क लगवाया जा रहा है, मगर अगर बाजार के अंदर या मेन रोड के बाजार की लोग भीड़ जमा कर रहे हैं तो इसमें मार्केट नहीं बंद किया जाना। इस तरह की दलीलें दी तो, और मार्केट के जो एसोसिएशन के अध्यक्ष उनका कहना है कि फैसला जो है वो वापस ले गया है, लेकिन अभी उनका ये भी कहना है कि आधिकारिक तौर पर इसका कोई नोटिफिकेशन वापस नहीं आया है। तो थोड़ी सी असमंजस स्थिति जो है वो व्यापारियों में बनी हुई है। विशेषज्ञ भी यही कह रहे हैं कि जिस तरह से फेस्टिव सीजन जो गुजरा है देश में, उसमें लोगों ने लापरवाही यहाँ पर थी मार्केट में बिना मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग कराया, उसके बावजूद अभी अगर फेस्टिव सीजन खत्म हो गया और बाद के दिन देखें तो भी यही हालात कहीं ना कहीं देश भर की मार्केट में देखने को आ रहे हैं, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, दिल्ली हो, गुजरात हो, राजस्थान हो, सभी राज्यों में इसी तरह के हालात जो है वो देखने में आ रहे हैं। तो उसको लेकर लगातार राज्य सरकारें भी कोशिश कर रही है, नाइट कर्फ्यू कई स्टेट्स में लगाया गया, दिल्ली में भी विचार हो रहा है कि क्या
अनलॉक जो चल रहा है उसमें कहीं ना कहीं छोटा सा लॉकडाउन जो बिल्कुल है वो चला लगाया गया। जा सो सकता है अभिषेक, या आप नहीं दोनों लगा नजर सकता। बनाए रखिए, आप दोनों से अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। बढ़ेंगे हमारी अगली खबर की तरफ, गोंडा से खबर है जहां पर